आंखें बंद करो जो ऑनलाइन इस मीटिंग को देख रहे हैं, अपने घरों में जो ऑनलाइन इस मीटिंग को देख रहे हैं, अपनी आंखों को बंद करो और अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। आप मेरे पीछे पीछे भी बोल सकते हो, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, माय लॉर्ड जीसस, धन्यवाद पिता, आज के दिन के लिए, समय के लिए, सब बातों के लिए परमेश्वर मैं आपका थैंक्स करता हूँ। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, आपका स्वागत करता हूँ मेरे परमेश्वर, स्वागत करता हूँ मेरे परमेश्वर, आपका स्वागत करते हैं मेरे खुदावन, क्योंकि आप ने कहा है कि जहां दो या तीन है वहां पे मैं मौजूद हूं। आपकी मौजूदगी, आपकी प्रेजेंस के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करती हूं, बोलो धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर। आप महान हो, आप महान हो, आप स्तुतियों पे विराजमान हो, आपके जैसा परमेश्वर इस दुनिया में कोई नहीं है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, आप ही ने इस आकाश और पृथ्वी को और जो कुछ इसमें है आपने ही बनाया है, आप ही ने बनाया है, आप ही एकमात्र परमेश्वर, आपके सिवा इस दुनिया में कोई परमेश्वर नहीं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, हम एक दिन पिता सब अंधकार में पड़े हुए थे और तुझसे दूर थे, पाप के कारण हम तुझसे अलग थे, पर तेरी कृपा से, तेरी त्याग से, तेरे प्रेम से हम बचाए गए, हम बचाए गए परमेश्वर, क्योंकि हमने नहीं, तूने हमें चुना है कि परमेश्वर हम तेरे लिए फल लेकर आए, इसीलिए तूने अपने वचन में हमें लिख कर दिया है कि अपनी बुलाहट को समझो, उस पर ध्यान दो कि मैंने तुम्हें क्यों चुना है, क्यों बुलाया है, ध्यान दो परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोगों को तूने चुना है तेरी इस बुलाहट को वो समझें, उस पर ध्यान दें, ध्यान दे परमेश्वर कि तूने उन्हें क्यों चुना है। तूने इसलिए नहीं चुना कि वो बंबार रहे, परेशान रहे, वो बोझ तले रहे, इसलिए तो तूने कहा हे बोझ तले लोगों मेरे पास आओ, अपना भारी बोझ मुझे दो और हल्का मुझसे ले लो, क्योंकि मैं मन का दीन हूं, मैं नम्र हूं, अपने सारे बोझ मुझे दो। इसलिए परमेश्वर अगर तूने हमें ऐसा कहा है तो हम अपने जीवन के सारे बोझ, सारे दुख, सब प्रॉब्लम, सब मुश्किलें आपको देते हैं, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, क्योंकि आप हमारे लिए कुर्बान हुए और आप ही ने हमारे सारे दुखों को अपनी देह पर उठा लिया है और आप क्रूस पर लेकर चढ़ गए हो और हमें आजाद किया है, क्योंकि तेरे वचन में ही लिखा है तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। धन्यवाद पिता इस चंगियाई के लिए, इस चंगियाई के आशीष वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम तेरी कोड़ों की मार से हमने शिफा पाई है, हमने चंगियाई पाई है, बीमारी हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है, बीमारी हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि तेरे कोड़े खाने से हम आजाद हैं, आजाद हैं, जैसे तेरा दास पॉल भी रोम की पत्री 8:1 में कहता है, अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, पर लिखा है जो शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलते हैं। पिता मैं शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलूं, जैसे गलातियों 5:19 में लिखा है, 18 में लिखा है कि शरीर के काम भी प्रगट है और आत्मा के भी काम प्रगट है। मेरे परमेश्वर वो जो शरीर के काम है, जो शरीर के काम है, विरोध, क्रोध, गुस्सा,
बेधर्म डा मत वालापन वो शरीर के काम मेरे जीवन से खत्म हो, तेरी सामर्थ से वो खत्म हो, खत्म हो, खत्म हो, वो सारे शरीर के काम मेरे जीवन से खत्म हो। जिस बात से मुझे गुस्सा आता है, जिस बात से मेरा मन खराब होता है, वो सब बातें जो शरीर की है, तेरे क्रूस की मृत्यु के द्वारा मेरे परमेश्वर तेरे कोड़ों की मार से वो सब शरीर के काम मेरे जीवन से खत्म हो, खत्म हो, खत्म हो, खत्म हो। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। और आत्मा के फल जो प्रेम में है, आनंद है, शांति है, कृपा है, धीरे से है, दयाल की है, वो जीवन वो पल मेरे जीवन से प्रकट हो, ताकि पिता मैं इन आत्मिक पलों में बढ़ूं, मैं आत्मिक पलों में बढ़ूं और तेरे उस अनुग्रह को पाऊं जो आवश्यकता के समय जरूरत के अनुसार वो मेरी सहायता करे, मेरी सहायता करे, मेरी सहायता करे। मेरे परमेश्वर तू महान है, तू महान है, तेरे जैसा परमेश्वर कोई नहीं है। तूने कहा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। तेरा दास भी दाऊद भी तुझसे मांगता था और तू उसकी सुनता था और उसे सब मुश्किलों से छुड़ाता था। आज पिता हम भी तुझसे मांगते हैं, तू हमारी प्रॉब्लमों को दुखों को जानता है। पर तेरे वचन में लिखा है इब्रानियों 11 की 6 में कि बिना विश्वास से तुझे कोई खुश नहीं कर सकता। पिता हम उस विश्वास को, सब बोलो पिता, हम उस विश्वास को मांगते हैं, मांगते हैं, उस विश्वास को मांगते हैं। तूने कहा है मांगो तो दिया जाएगा। हम उस विश्वास को मांगते हैं जिस विश्वास से तू बड़े बड़े कामों को प्रकट करता है, अंधों को दिखाता है, लंगड़ों को चलाता है, मुर्दों को भी जलाता है, कोड़ियों को पाक शुद्ध करता है। उस विश्वास से जिससे गूंगे बोलते हैं, बैरे सुनते हैं, हर प्रकार की वो बीमारियां वो दुख उस विश्वास से खत्म होते हैं। पिता हम उस विश्वास को मांगते हैं, हम उस विश्वास को मांगते हैं, हम विश्वास को मांगते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। और विश्वास करते हैं अगर हमने मांगा है, तेरे वचन में लिखा है प्रभु तूने मरकुस 11 की 22 में कहा इस पहाड़ को कहो उखड़ और समुन्दर में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करो, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगते हो, प्रतीति करो, विश्वास करो, वो मिल गया है। नीचे कदा आस जो जो भी हमारी प्रॉब्लम है, जो जो भी हमारे दुख हैं, हालात हैं, क्लेश हैं, गरीबी है, कर्ज है, जो घटी है, जो घटी है, परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार वो हमारी घटी है। जैसे एफिसियों 4:19 में लिखा है तूने कहा है कि तुम्हारी हर घटी महिमा सहित पूरी की जाएगी। आज खुदा इस प्रार्थना के जरिए आज जो मैंने तेरे लोगों के बीच तेरे भवन में जो हाथों को उठाकर मेरे परमेश्वर तेरे सन्मुख मैंने की है, मेरे परमेश्वर तू मेरी हर एक घटी को पूरी कर चुका है यीशु के नाम से। जैसे तूने दाऊद की सुनी आज मेरी भी सुन चुका है। मेरा मन जो मुझे दोष लगा रहा था, मेरे खुदावंद तू मेरे मन में वो शांस को दे चुका है, मेरे मन में वो शांस दे चुका है। धन्यवाद पिता, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है आज से 2021 साल पहले जब आपने मेरे दुखों के लिए अपने बेटे को क्रूस पर बलिदान किया, उसी दिन से तूने हमें आजाद किया है। इसलिए अफिसियों 2:1 में लिखा है कि उसने तुम्हें भी जवाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। परमेश्वर हम पाप के कारण एक दिन सब मरे हुए थे, हमारे जीवन में तेरी कोई भी आशा नहीं थी। इसलिए खुदावंद तेरे ही उपकार से, तेरे ही उद्धार से हम उस पाप से बचाए गए हैं और छुवाए गए हैं। पर तेरे वचन में लिखा है आज्ञा ना मानने वालों में अब भी वो कार्य वो शैतान
काम करता है। इसलिए परमेश्वर मुझे आज्ञाकारी बालक बना, मैं तेरी हर एक बात का भय मानूं, डर रखूं और कोई पाप न करूं, कोई बुराई न करूं। मेरे मुंह से परमेश्वर किसी भी प्रकार की बुराई ना हो, क्योंकि तेरे वचन में जैसे तेरा दास पत्रस कहता है, जैसे परमेश्वर तेरा दास पत्रस कहता है कि तू बुराई करने वालों के बेमुख है। परमेश्वर जो लोग बुराई करते हैं तू उनके विषय बेमुख है। इसलिए खुदावन मेरे परमेश्वर मैं बुराई करने वाला नहीं, परमेश्वर मैं भलाई करने वाला बनूं, मैं भलाई करने वाला बनूं, क्योंकि तूने मुझे इसीलिए चुना है, इसीलिए रचा है और इसीलिए तूने मुझे अंधकार में से अपनी ज्योति में बुलाया है। इसलिए तूने कहा तुम जगत की ज्योति हो और नमक भी हो, ज्योति भी और नमक भी हो। अगर नमक का अगर तूने कहा ज्योति है तो जो नगर पहाड़ पर बसता है वो छिप नहीं सकता। परमेश्वर हम ज्योति हैं, अगर हम आत्मा से चलें तो हम छिपेंगे नहीं, पर हम नमक भी हैं। तूने कहा अगर नमक का स्वाद तूने कहा बिगड़ गया तो फिर वो किसी चीज से नमकीन नहीं किया जाएगा। इसलिए खुदावन हम मांगते हैं कि हम शैतान की किसी भी चुक्ति में उसके शल में ना आए, संसार की बातों में ना आए, लोगों की बातों में ना आए, लोगों की बातें जैसे तेरा दास पॉल भी कहता मुझे शैतान का एक कांटा चुबोया गया और मैंने परमेश्वर से 3 बार विनती की कि ये चीज मुझसे दूर हो जाए और तूने अपने दास पॉल को ये उत्तर दिया कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। आज सच में परमेश्वर जो तेरा अनुग्रह है हम पर वो बहुत है, वो बहुत है, बहुत है परमेश्वर, वो बहुत है। धन्यवाद करते परमेश्वर हम संसार की और संसार की बातों से और शैतान की बातों से, दुनिया की बातों से भरमाए ना जाएं, भरमाए ना जाएं और भरमाने वाला हमें भरमाए ना। इसलिए पिता हम तेरे अनुग्रह को, तेरी शांति को, तेरी समझ को हम मांगते हैं, मांगते हैं खुदा। इसमें हम और बढ़े, और बढ़े, और बढ़े, और बढ़े। धन्यवाद पिता इन सब बातों के लिए, आज की तेरी पवित्र मीटिंग के लिए। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं और विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं कि जो कुछ अब तक हमने सुना और प्रार्थना की है और जो आगे सुनने वाले हैं आप हमें बहुत आशीष यीशु के नाम से दे चुके हो। आमेन, आमेन, हालेलुया।